दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ में 4 नवंबर 2022 के लिए आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ सवाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो शुरू होता है आज का अंक। इसमें सबसे पहले पिछले अंक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पिछला प्रश्न था, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है, इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उत्तर है माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब शुरू होती है आज की प्रश्नावली। पहला सवाल, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है सन 1987 में। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम यूरोप में सन 1987 में शुरू हुआ। ब्लू फ्लैग प्रमाणन हर वर्ष प्रदान किया जाता है। अब तक 48 देशों में कुल 5042 समुद्र तटों, मरीनों और पर्यटन नौकाओं को इससे सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा संचालित किया जाता है। ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेवल का प्रमाणन है जो पर्यावरण के सम्मान के रूप में विश्वभर के तटीय स्थानों को दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र UN की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है? इतालवी, फ्रेंच, अरबी। तो इसका उत्तर है इतालवी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कार्यकारी भाषा है जो रोज़ के व्यावसायिक आदान प्रदान में उपयोग की जाती हैं। संघ निकाय ट्रीटी बॉडी अपने उपयोग के लिए अधिकतम 3 आधिकारिक भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र 6 आधिकारिक भाषाओं में से किसी भाषा में संघ निकायों के साथ बातचीत करने का अधिकार रखता है। तो यह था आज का दूसरा सवाल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न और विकसित हुई है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। यह शब्द पहली बार 1947 में अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत सन 1970 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था। न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति ओ चित्रप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DA देसाई ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। आइए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, आज का चौथा सवाल, नोम क्रेम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है मेघालय राज्य से। खासी जनजाति के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव के पोमलांग नोम क्रेम नृत्य को लोकप्रिय रूप में नोम क्रेम नृत्य के नाम से जाना जाता है। नोम क्रेम नृत्य मेघालय के खासी पहाड़ी के केंद्र में शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसमें अच्छी फसल और समृद्धि के लिए लोक देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट, आज का पांचवा सवाल, भारतीय संस्कृत के संदर्भ में सित्तन वासल का प्रयोग किस धर्म में किया जाता है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म में। सित्तन वासल एक प्राचीन जैन मठ का स्थल है जो तमिलनाडु में त्रिची से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मठ चट्टान की गुफा में कुछ सबसे उत्तम भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। इनमें से अधिकांश गुफा चित्र 9वीं शताब्दी के पांड्यकाल पर आधारित हैं। इन चित्रों के विषयों में जानवर, मछली, बतख, तालाब से कमल इकट्ठा करने वाले लोग, नृत्य करने वाली 2 आकृतियाँ भी शामिल हैं। तो यह था आज का करंट अफेयर्स का अंक और एक सवाल अब आपके लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मैं इसका उत्तर अगले अंक में दूंगा। यह प्रश्न है, अभी हाल ही में 2022 AP-7 शब्द चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर बटन दबाना न भूलें, और सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।